यस सर। आगे लिख लिया रूल आपने ये वाला, आगे चले नेक्स्ट, यस सर। आगे चले, आगे आप चले के 10 इंग्लिश में ब्रीफिंग दी जाएंगी। क्या कहा सर? इंग्लिश में 10 टॉपिक्स पर ब्रीफिंग दी जाएंगी, जो धारा मैं दूंगा टीचर देगा। इंग्लिश अंग्रेजी में 10 मौजूदात पर जो है ब्रीफिंग दी जाएंगी, इनके लेक्चर दिए जाएंगे। जो कि आम जिंदगी के मामूलात में शामिल हैं, जो कि हमारे मामूलात का हिस्सा हैं। जी, इसके बाद आप लिखें, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें। एक दिन अंग्रेजी में जो है लेक्चर दिया जाएगा, और अगले दिन उस टॉपिक के बारे में, उस मौजू के बारे में इंग्लिश में सवालात जवाबात किए जाएंगे। इंग्लिश में सवालात जवाबात किए जाएंगे या पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखें जी, शाबाश। आगे लिखें, हर हफ्ता को स्पोकन इंग्लिश का टेस्ट हुआ करेगा, यानी अंग्रेजी में सवाल पूछे जाएंगे और उनमें उनके जवाबात स्टूडेंट्स देंगे, उनके जवाबात स्टूडेंट देंगे। ये टेस्ट का हिस्सा, ये टेस्ट हिस्सा हुआ करेगा आपका। नेक्स्ट रूल लिखें जी सर, एक मिनट। यस सर। आगे लिखें, लैंग्वेज क्लासेस में वक्त की पाबंदी और टीचर की हदायत पर अमल करना लाजमी है। जो कि अंग्रेजी जबान सीखने की जमानत है। फिर आप चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। 10 यानी के इसके बाद है आखिरी में, जो लास्ट का हमारा आखिरी लैंग्वेज का हिस्सा होगा, उसमें 10 डायलॉग्स, 10 डायलॉग्स या मकालमे अंग्रेजी जबान में होंगे। 10 मकालमे क्लास के आखिरी दिनों में, 10 मकालमे सर क्लास के आखिरी दिनों में या आखिरी टाइम में? दिनों में, या कह लें कि क्लास के हिस्से होंगे ना, जाहिर है स्पोकन क्लास के हिस्से होंगे। अब देखेंगे 10 मकालमे इस क्लास का, स्पोकन अंग्रेजी क्लास का आखिरी हिस्सा होंगे। पहले टॉपिक कंप्लीट होंगे, फिर आपके इशू होंगे आगे मकालमे।
अब मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा, आपको पहले रूल लिखते जाएं आप। 10 मकाल में अंग्रेजी, ये अंग्रेजी बोलचाल की क्लास का यानी कि आखिरी हिस्सा होंगे या इस क्लास का हिस्सा होंगे मकाल में। अंग्रेजी जो है बोलचाल की क्लास का हिस्सा होंगे 10 मकाल में। कितने रूल हो गए आपके पास? 14 रूल हो गए। अच्छा, अब है जो पॉइंट बड़ा ही अहम पॉइंट है, आप लिख लें इसको। जो कुलीग अपने आप जो आपकी आपस की बातचीत होगी अपने कजन के साथ, बहन भाइयों के साथ, या आपस में क्लास फेलो जो बात करते हैं आप आपस में, वो अंग्रेजी में करनी है, वो अंग्रेजी में करनी है। मतलब घर में भी? सर एक मिनट ठहरे, लिया आप लिख लें, इसके बाद लिखें सर आप बताएं। यानी कि अंग्रेजी में बात करनी है आपने, और अगर कोई मसला पेश आता है तो कम से कम वोकैबुलरी का इस्तेमाल लाजमी करें, कम से कम, वरना वोकैबुलरी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें जुमलों में। एक इंस्टेड ऑफ आप बाहर कहीं भी आप अपनी ज़बान में बात करें, लेकिन इंग्लिश का इस्तेमाल, वोकैबुलरी का इस्तेमाल लाजमी रखें, ताकि आपको जो इंग्लिश बोलने की आदत पड़ जाए आपको, यहाँ पर लैंग्वेज में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी आपको। इस वजह से कह रहा हूँ मैं आपको, वही आपकी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी। अच्छा, आगे और रूल लिखें आप। कोई भी क्लास दोबारा नहीं होगी, कोई भी क्लास दोबारा नहीं होगी, अलबत्ता अलबत्ता फ्राइडे के दिन या जुमा के दिन रिवीजन होगी, जमा के दिन रिवीजन होगी। लेकिन रिवीजन में हर बात, हर टॉपिक डिटेल से नहीं होगा, मेन पॉइंट्स को ही, सिर्फ मेन चीजों ही को हाईलाइट किया जाएगा। ये ना आप समझें कि अभी छुट्टी कर ली, चलो हम उसमें कवर कर लेंगे जाके, रिवीजन में ऐसा नहीं हो सकता। रिवीजन तो बड़ी शॉर्ट सी होती है, इतना टाइम होता नहीं है कि सारे हम जो टॉपिक्स हम उनको करें, आपके टॉपिक बढ़ते जाएंगे और मामला बढ़ते जाएंगे आपके, ठीक है ना। कोई भी क्लास मिस ना करें अगर आप जो है कामयाब होना चाहते हैं और एक्स्ट्रॉडनरी सक्सेस चाहते हैं। तो बस ये है जो रूल्स आपके पास। कितने रूल हो गए? 16 17 16 रूल हो गए आपके, बस ठीक है। अब यहाँ से क्लोज करते हैं आप इसको। अब मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ, वो ये है कि आप ने मुझे फॉलो करना है आपने, जब मैं आपको लेक्चर देना शुरू करूँगा ब्रीफिंग इंशाल्लाह, कल से हमारा जो पहला जो सिस्टम है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा इंग्लिश में, तारुफ होगा इंग्लिश में, जो कराना अक्सर लोगों को नहीं आता अपना इंट्रोडक्शन। इंटरव्यूज में जाते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ें काम आती हैं, पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। और साथ साथ जो टॉपिक है मैं यहाँ पे आपको लिख दिया करूंगा बोर्ड के ऊपर कौन सा टॉपिक है, ठीक है। और अच्छा, अब जब आपने क्लास में आना है, बैठना है, बिल्कुल फ्रेश होके आप आए, और पूरा फोकस आप में होना है मेरे ऊपर, पूरा फोकस मेरी बातों पे ऊपर, जो मैं बोल रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ। और अगर आप मुझे जब फोकस होंगे मेरे पे, पूरी तवज्जो भरपूर सुनेंगे मेरे लेक्चर को, तो यकीनन मैं कहता हूं कि आप जो है प्रैक्टिस करने से वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह बेहतरीन इंग्लिश बोलने वाले में शामिल हो जाएंगे। हमारे लेक्चर यूट्यूब पे भी जा रहे हैं, लेक्चर्स हैं वहां से, यूट्यूब से आप भी आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं वहां से, प्रैक्टिस के लिए। लेकिन बाद ऐसा होता है कि कोई बात सिस्टम की वजह से वो कोई अपलोड नहीं होते हैं, ठीक है ना, यूट्यूब के ऊपर, तो वो आपके लेक्चर को मिस भी हो सकते हैं आपके। तो इसलिए आप इस क्लास में, जो क्लास आपकी है, इसको मिस नहीं करना है आपने,
एक क्लास में इन्वायरमेंट होता है, एक माहौल होता है। अभी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा आपका 24 को इंशाल्लाह, फिर आप स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएंगे सारे, ठीक है? ये कुछ दिनों की बात है सर। कब? जी 24 को सर, 24 को खत्म हुआ लॉकडाउन ना, तो वो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा सर, आपको एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि आपने क्लास आना है अकेडमी, ठीक है? अभी तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ ना 24 तक का, कोई पता नहीं बढ़ा दें ये, अगर नहीं ऐलान किया तो आ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा, आपको 23 को आपको बता दूंगा, ठीक है? तो फिर क्लास हमारे ऑफलाइन शुरू हो जाएंगे, पहले बताएं क्योंकि हम गाँव, तो वो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए लैंग्वेज क्लास में, और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। लेकिन वो है कि जाहिर है ये फिर लेक्चर तो नहीं आपके हो सकते ना, ये तो ऑनलाइन आपके लेक्चर जो है यही आपके जो है हम यूट्यूब पे लेके जा रहे हैं, लेकिन वो फिर ऑफलाइन तो है, उससे आपकी शिरकत और लाजमी हो जाएगी क्लास में, ये मैं आपको कह रहा हूँ कि नोट मिस एनी क्लास। तो फिर मजा आएगा। अच्छा अब सुने मेरी बात, अब मेरा बोलने का जो अंग्रेजी का जो है बाद मैं बहुत तेज इंग्लिश बोलता हूँ, अब आप वहां पर घबराना जाइएगा कि ये क्यों आ गया, मैं समझ नहीं आ रही है। देखो आप आज माहौल में आते हो तो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होते हो क्लास में आके, ये नहीं कि आप आए पहले दिनों आके छा गए, ये सब फजूल बातें होती हैं, ठीक है? जल्दी नहीं करनी है, बेसब्री नहीं करनी है, सब्र का मुजाहरा करना है, अगर कामयाब होना है स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, स्टेबल होना बहुत जरूरी है आपके लिए। मुश्किल है वह गुजर जाएगा, लेकिन आपकी पोजिशन नहीं छोड़नी है आपने। अगर कामयाब लोगों में जाना है तो आप जो कामयाब लोग होते हैं वह पोजिशन नहीं छोड़ते हैं, जितने लीडर्स भी होते हैं, हत्ता कि वो मुश्किलात पे काबू पा लेते हैं। जो चीज आपको समझ आ रही है उसको पिक करो, जो नहीं समझ आ रही है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ते जाओ, आगे चीजें कैच करो। अब ये है ना, पीछे रो रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे, पीछे की बातों को रो के बैठे हुए हैं। नाकाम लोग हमेशा पीछे देखते हैं, आगे नहीं देखते हैं, ये याद रखना मेरी बात को, कि आपने पास जो वोकैबुलरी आपके पास है वो आपको बहुत असिस्ट करेगी, आपको बहुत हेल्प करेगी। और न्यू वोकैबुलरी आपको नहीं मिलती, जाए मैं लिखवा दिया मैंने आपको, जो नए टॉपिक के दौरान मेरी ब्रीफिंग के दौरान जो न्यू वोकैबुलरी है, यू हैव टू नोट इट। आप बोर्ड के ऊपर लिखूंगा तो नोट करेंगे आप। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब मैं ब्रीफिंग आपको दे रहा हूं, मैं बोर्ड पे वोकैबुलरी लिख रहा हूं, आपने उस वक्त नहीं लिखनी, जब मेरी ब्रीफिंग खत्म हो जाएगी। ब्रीफिंग 40 मिनट की होती है, 45 मिनट की होती है, जो भी है, तो जब मैं रुक जाऊंगा फिर आपने नोट करना है यहां से वोकैबुलरी। मेरी बात समझ आ रही है आपको मेरी? क्योंकि अपनी फोकस हो सकनी है मेरे ऊपर, अगर आप उसको लिखने लग गए, असल ये लैंग्वेज जबान है, स्पोकन लैंग्वेज क्लास है ये, तो आपको मैं टाइम दूंगा 10-15 मिनट लिखने के लिए यहां पर। वोकैबुलरी आपके बोर्ड पर लिखी होगी, आप लिख लीजिएगा, मैं उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप फोकस रहें, फोकस होंगे तो कामयाब होंगे। किसी भी कामयाबी की जमानत है, किसी भी काम में पूरी तरह फोकस होना ये कामयाबी का पहला असूल है। भरपूर तवज्जो आपकी होनी चाहिए, फुल अटेंशन होनी चाहिए, ताकि आप अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करें, सुनने की सलाहियत को इम्प्रूव करें, और बोलने की सलाहियत को भी इम्प्रूव करेंगे। जब आप समझेंगे तो बोल सकते हैं ना, आपको बात समझ आएगी आप क्या बोलेंगे। ये मेरा पॉइंट समझ आ रहा नहीं आया आपको? यस, कोई अगर बात समझ नहीं आ रही है कहीं सर नहीं बात समझ, रिपीट कर दो। तो अब बात स्टूडेंट 3-4 दिन में इसमें क्लास में एडजस्ट होंगे, बाद हफ्ता लगा देंगे इस क्लास में, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। आपको रेगुलर रहना क्लास में, यही आपके जो कदम है, स्टेप्स हैं, काम एक तरफ आपके आपके स्टेप्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं अगर आप रेगुलर क्लास में रहते हैं तो। अब ये कि आप आए, एक दिन आए, दो दिन गायब हो गए, तीन दिन आए, फिर चार दिन गायब हो गए, उसको ऐसे क्लास को छोड़ दें, इससे मच बेटर ये है कि अगर रेगुलर क्लास में नहीं रहना है तो इससे बेहतर क्लास को छोड़ दो। अगर कामयाब होना है तो क्लास में रेगुलर रहना है, ये कुछ दिनों की क्लास है, कुछ हफ्ते के रह गए आपके रिपोर्ट खत्म होने में। कितना टाइम गुजर गया आपका, कब कोर्स शुरू हुआ था आपका? महीना हो गया, डेढ़ महीना, टू मंथ पूरे हो गए सर, टू मंथ पूरे हो गए, कामयाब लोगों में चले जाएंगे। तो ये रेगुलर रहेंगे कुछ दिन, ये आप मेहनत कर लेंगे तो आप ही काम आएगी, मेरे काम नहीं आएगी। हमें अपने मेहनत अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अपने टारगेट्स को अचीव करना है,
अब मैंने अपने टारगेट्स को क्यों अचीव किया है, अल्लाह की बड़े आप फजल है मेरे पे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस लैंग्वेज अल्हम्दुलिल्लाह के लैंग्वेज मुझे आती है, अल्लाह का शुक्र है, इस वजह से मैं कामयाब लोगों में हूँ, इसी वजह से ही। क्या ऑफर लेटर पर जॉब्स मैंने की हैं, अभी मेरा ऑफर्स मौजूद है मेरे पास, इस लैंग्वेज आने की वजह से मेरे पास ऑफर्स हैं। और इसलिए अगर आप ये लैंग्वेज सीख जाते हैं, कम अज़ कम आप अच्छे सैलरी पर और ऑफर लेटर पर आप ज्वाइन करेंगे कंपनी को, फंड्स को, एब्रॉड में जाना है एब्रॉड चला जाए, वीज़ा ईजीली बन जाएगा, एम्बेसी से आपको, आपने बिजनेस करना उसमें कामयाब सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे आप, आपने FPSC में जाना है ऑफिसर बनना है 17 ग्रेड में, आप कामयाब हो जाएंगे। यानी कि हर यानी कि कामयाबी के लिए, शानदार कामयाबी के लिए आपको लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि इंटरनेशनल ज़बान है ये, बैन अवी ज़बान है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप जो है अपने साथ भरपूर इंसाफ करें। वो इंसाफ तभी करेंगे जब आप अपने टाइम को किल नहीं करेंगे और टीचर या इंस्ट्रक्टर की बातों को, ट्रेनर की बातों को मानेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है। कल से आपने बिल्कुल शार्प टाइम 4 PM फ्रेश होके क्लास में आना है, फ्रेश होके आपने आना है क्लास में, और फ्रेश आपका माइंड हो, ये ना हो कि आप के माइंड कहीं एब्सेंट माइंडेड हो, ये है वो है, उसका ये फायदा कि आप यानी कि होते हुए भी आप नहीं होते क्लास में, आपकी फिजिकल जो है अपीयरेंस से ज़्यादा आपकी जो मेंटल जो है प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, ज़हनी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है आपकी यहाँ पर क्लास में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, आप यू हैव टू गेट मच बेनिफिट। तो कल से इंशाल्लाह आपकी लैंग्वेज है, कल उर्दू पर बयान लग रहा है, कल से पाबंदी लग रही है, उर्दू पर सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाएगी, माहौल बनेगा, इन्वायरमेंट बोलेगी बनेगी, तो आप सीखेंगे यहाँ से। मैंने शायद लास्ट टाइम बात की है, नहीं की है, यहाँ से बहुत से जो है इलिटरेट पीपल जो है, अनएजुकेटेड पीपल जो है UK और USA चले जाते हैं, इलीगल गैर कानूनी तौर पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाके वो माहौल जब उनको मिलता है, उनको पता है कि नहीं इंग्लिश बोलेंगे तो भूखे मर जाएंगे, तो वो भी इंग्लिश टूटी फूटी बोलते हैं, फिर सही बोलने शुरू कर देते हैं उस माहौल में जाके। लाइक दैट यही माहौल यहाँ पे होगा कि जहाँ पे आप अंग्रेजी सीखेंगे, माहौल में आप आएंगे तो सीखेंगे आप यहाँ पर, इसलिए दूसरी जो है सिर्फ अंग्रेजी ही यहाँ पे बोली जाएगी, और आप भी जो सवाल करेंगे इंग्लिश में करेंगे, आप इंग्लिश बोलने की आदत पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होगा तो आप इंग्लिश बोलेंगे, फिर आप वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ डे बाय डे। सो आई प्रे फॉर योर सक्सेस एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस and just I can pray for you, God bless you, class is going to end now, wish you good luck, Allah Hafiz, Allah Hafiz, thank you sir, Allah Hafiz sir.